हेलो फूडीज, आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कुछ हेल्दी नूडल्स जो कि होंगे इस कंपनी के, जो कि है विकेड गुड के। ये प्रोडक्ट शार्क टैंक में भी आया था बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें डील नहीं मिल रही थी। तो आज हम ट्राई करेंगे कि ये वाले नूडल्स एक्चुअली में हेल्दी है या नहीं। बट ये लोग क्लेम तो करते हैं कि इसमें ओट्स, लेंटिल्स एंड ब्राउन राइस से बना है ये, और ये एयर ड्राइड है। तो हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये हमारी जैसी चटोरी जीव के लिए अच्छा है या नहीं, और इसका प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस एक पैकेट का प्राइस है 60 रुपीज। कॉस्टली तो पड़ जाता है, हेल्दी ऑप्शन के लिए मैं इसको ट्राई करूंगी और बताऊंगी आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी आपके साथ। और इसमें 3 फ्लेवर मैं लाई हूँ। ये फर्स्ट है मसाला, और सेकंड है करी, और थर्ड हमारा है शेजवान। तो अभी फिलहाल तो मैं ये वाला ट्राई करूंगी क्योंकि मैच कर रहा है मेरे टॉप से। तो सबसे पहले ये वाला बनाते हैं। इस वाले नूडल्स को बनाने में लगेंगे 8 to 10 मिनट्स। तो मैं आपको टाइमर लगा के दिखाऊंगी कि इतने मिनट्स में बनेंगे ये या नहीं। तो चलिए फिर सबसे पहले यही बनाते हैं। तो अभी मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको बॉयल होने रख दिया है और टाइमर देखते हैं। 8 से 10 मिनट बोला है, देखते होता है हमें। अभी देखिए कितने मिनट हो गए इसको पकते हुए, बट अभी भी ये कच्ची है। अभी इसको और पकाना है। देखिए 17 मिनट हो गए हैं, अब जाके ये बन गई है। इसको जल्दी से सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये विकेट गुड के नूडल्स मसाला वाले रेडी है। तो ये है बने हैं, आपने देख ही लिया होगा टाइम, 17 मिनट्स में बने हैं। अप्रोक्स 15 मिनट्स लगा लो। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको टेस्ट करते हैं अभी। इसमें ना हल्की हल्की वेजेस डाल रखी है, बहुत कम, और जो इसका टेस्ट है वो अच्छा लगा। लग नहीं रहा कि मैदे की नूडल्स हम नहीं खा रहे। ओवरऑल टेस्ट तो अच्छा है लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपने ये वाले नूडल्स कभी ट्राई किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड नूडल्स की तरफ। नेक्स्ट फ्लेवर मैं ट्राई करने जा रही हूँ ये शेजवान वाला फ्लेवर। इससे पहले मैंने और भी नूडल्स ट्राई करी हैं इसी फ्लेवर की। ऊपर आई बटन में आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो इसमें देखते हैं कि शेजवान का टेस्ट कैसा है और ओवरऑल इसका टेस्ट कैसा रहता है। तो चलिए फिर इसको बना के देखते हैं। तो हमारा सेकंड फ्लेवर भी रेडी है जो कि है शेजवान वाला, और इसमें जो ड्राई वेजीज है इसमें नहीं डली हुई, और इसको पकने में उतना ही टाइम लगा जितना फर्स्ट वाली को लगा था, क्योंकि नूडल्स सबके सेम ही हैं, इंग्रेडिएंट मतलब उन सबके सेम है। तो इसको टेस्ट करते हैं। इसका फ्लेवर ठीक ठीक ही है, इसमें ज्यादा शेजवान का फ्लेवर तो मुझे नहीं लग रहा इसमें है। अभी मैं इसमें शेजवान सॉस डाल के इसको खाऊंगी। जो इस नूडल को खाने के बाद जो टेस्ट आ रहा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो नूडल्स बने जिन इंग्रेडिएंट से बने हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे। तो देखते हैं इसको कैसे खत्म करती हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फ्लेवर की तरफ। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला फ्लेवर नहीं ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मे बी कुछ ज्यादा हेल्दी हो गए हैं।
और इस नूडल को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तो लग ही रहे हैं टोटल बनने में, और पानी बॉईल करने का तो मैंने टाइम नहीं इंक्लूड किया, तो ये जो नूडल्स है 15 मिनट्स में ही बन रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और मुझे टेस्ट इतना पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि मैं थर्ड वाला नहीं ट्राई करती क्योंकि मुझसे नहीं खाए जा रहे वाले नूडल्स। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया हो और मेरा रिव्यू ऑनेस्ट लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।